सारा इंडिया में जमा पूंजी का शीघ्र भुगतान शुरू किया जाए। बड़ी अपडेट राजनांदा गांव की है, जो 13 घंटा पहले हमारे पास आई है और भास्कर संवाददाता द्वारा ये राजनांदा की बड़ी अपडेट है। सहारा की ब्रांचों के कर्मचारियों में इस वक्त FIR का इस वक्त खौफ बना हुआ है और उसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा ज़िले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के राजनांदा गांव प्रयास के दौरान सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर संस्था में निवेशकों की जमा पूंजी संबंधित शाखाओं के माध्यम से शीघ्र भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। इसके लिए राजनांदा गांव शाखा के कार्यकर्ताओं ने लिखित में हस्तांतरित आवेदन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया और ये आवेदन प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा को दिया गया। तो बड़ी अपडेट दोस्तों जो हम आपके लिए लेकर आए, चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा ताज़ा अपडेट पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूरी अपडेट। आवेदन के मुताबिक सहारा सेवी प्रकरण के विगत 12 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित, जिनके कारण देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का लगभग 86,000 करोड़ राशि सहारा इंडिया की संस्था के 12 लाख कार्यकर्ताओं के द्वारा कंपनी की विभिन्न निवेश योजनाओं में जमा कराया गया है, जिनकी भुगतान अवधि पूर्ण होने के बाद भी बीते 5 वर्षों से जमाकर्ताओं की कमाई की राशि सहारा सेवी प्रकरण के कारण अप्राप्त है, यानी कि मिली नहीं है। सारा सेवी प्रकरण के चलते संस्था के 12 लाख कार्यकर्ताओं के बेरोजगार होने की स्थिति पैदा हो रही है तथा करोड़ों लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रदेश में 10 लाख जमाकर्ताओं का 5,000 करोड़ रुपया जमा राशि बाधित है और 30,000 कार्यकर्ताओं के रोजी रोजगार भी बाधित हो गया है तथा इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है। कर्मचारियों पर की जा रही FIR रोकी जाए। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 18 जुलाई 2023 को सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सारा जमाकर्ताओं की राशि भुगतान का रास्ता निकाला गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से भुगतान में तेजी लाने के लिए प्रयास किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोर्टल के माध्यम से भुगतान का रास्ता निकाले जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सारा कार्यकर्ता और कर्मचारियों के खिलाफ FIRों की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि सारा इंडिया के कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर हो रही FIR को रोका जाए तथा साथ ही पूर्व में हुए FIR के मामले को निरस्त किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक खौफ जारी है और वो खौफ सभी ब्रांचों के जो इस वक्त कार्यकर्ता जमाकर्ता हैं उन पर ये मामले चल रहे हैं, क्योंकि जमाकर्ता के एक एक परिवार के 29-29 लाख रुपया, एक एक कबीले के 50-50 लाख रुपया, एक खानदान के 60-60 लाख रुपया यहाँ पर लगा हुआ है और 10,000 रुपया भी उनको नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर ये FIR लगातार जो चल रही है वो ब्रांचों के उन कर्मचारियों पर चल रही है जो कर्मचारियाँ वहाँ पर बैठे हैं और जो इनके एजेंट हैं उन पर यहाँ पर धड़ाधड़ FIR चल रही है। उसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये ब्रांचों के अधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और ज़िले के प्रभारी विजय शर्मा को अपना ज्ञापन दिया है। तो दोस्तों ये थी सारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।